नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आभा और इस वक्त की खास खबर आ रही है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में दो व्यापारियों में लेनदेन का विवाद पुलिस तक पहुंचा। एक पक्ष पुलिस तक पहुंचा। श्रीगंगानगर में दो व्यापारियों के लेनदेन का मामला अब सड़क पर आने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को परिवाद दिया है, लेकिन आज दोपहर तक मुकदमे दर्ज नहीं किए गए थे। कोतवाली पुलिस ने तो परिवाद आने से ही इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ एक पक्ष आज सीओ सिटी तुलसीदास पुरोहित के समक्ष पेश हुआ। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यापारी दयानंद मार्ग पर तथा दूसरा व्यापारी वृंदावन विहार का रहने वाला है। इनके बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद है। इस मामले में पुलिस बीती रात एक व्यापारी के घर पहुंची और मामला शांत करवाया। कल शाम को दोनों पक्षों की ओर से परिवाद देने की बात सामने आई है। वृंदावन विहार निवासी एक व्यापारी की बेटी ने आज दोपहर पहले कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी से मुलाकात की। एसएचओ ने मुकदमा दर्ज होने से इनकार कर दिया तो पीड़ित बालिका सीओ सिटी तुलसीदास पुरोहित से मिली। उन्होंने एक व्यापारी द्वारा मारने की धमकी दिए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस पर सीओ सिटी ने आश्वासन दिया है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, पुलिस सुरक्षा के लिए बैठी है। अगर उन्हें दोबारा धमकी मिलती है तो वे सीधे उन्हें ही फोन पर सूचना दे सकते हैं। सीओ सिटी ने बताया कि लड़की का परिवार कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी को जांच के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित बालिका ने बताया कि एक व्यापारी अन्य लोगों के साथ उनके घर आया और धमकियां दी। गौरतलब है कि दोनों व्यापारियों में रुपयों के लेन देन को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है। यह रुपये किसके एवज में लेने हैं कोई भी पक्ष नहीं बताना चाहता, जबकि चर्चा है कि क्रिकेट बुकी एवं रियल एस्टेट में लेन देन का मामला है। इसमें कई धन्ना सेठ जुड़े हुए हैं। खरीदें सैमसंग स्मार्टफोन और पाए 9,000 रुपए तक का पेटीएम कैशबैक। एमआई सहित सभी ब्रांडेड मोबाइल 0% ब्याज पर उपलब्ध, शर्तें लागू। आकाश टेलीकॉम 26 सी ब्लॉक श्री गंगानगर। फिलहाल खास खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।